अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस सेशन में हम एक केस स्टडी के जरिए से मार्केट इंटरमीडियरी मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे ये केस स्टडी ईस्ट एशियन रीजन से है फिलपाइन से प्रिसाइजली फ़िलिपाइन में एक रीजन है लूजोन के नाम से वहाँ पे एक इंडिजिनस पॉपुलेशन इंडिजनस पॉपुलेशन से मुराद है वो लोग जो सदियों से वहीं रहते आए हों उनका मॉडर्न जो अर्बन वर्ल्ड है उससे लिमिटेड या ना होने के बराबर या कोई रबता ना हो वो लोकल जो रिसोर्स हैं उन्हीं पर गुज़ारा करते हों और उसी में वो अपनी जिंदगी गुजारते हों एतहाज़ के नाम से एक लोकल पापुलेशन जो है वो लुजोन के इलाके में रह रही थी माउंटेनस एरिया है ये सदियों से ये लोग वहाँ रहते थे पहाड़ों पर जो थोड़ी बहुत वाइल्ड लाइफ थी उसके ज़रिए से और सस्टेनेंस जिसको कहते हैं फार्मिंग उसके ज़रिए से वो गुजारा करते थे और उसमें वो खुश थे उनकी ज़िंदगी में मसला उस वक्त आया जब 1990 में एक वॉलकैनो आतिशां जो है उस एरिया में उसमें एरप्शन हुई आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्रीज में टीवी पर आतिशां जब फटते हैं तो उसके बाद वहाँ पर वो जो लावा है वो एक धुआँ राख एशेज़ और एक स्टोन लाइक -like चीज़ छोड़ जाता है जो कि उस ज़मीन को उस माहौल को तबाह कर देता है ज़मीन काबिल काश्त नहीं रहती जब लावा गर्म होता है तो उससे वाइल्ड लाइफ जिसमें पौधे जंगली हाथ परिंदे जानवर इस तरह की मखलूक जो हैं सब शामिल हैं ख़त्म हो जाते हैं आतिशां तो खामोश हो गया लेकिन उसके बाद एथर्स के लिए वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया क्योंकि कोई ज़मीन नहीं थी जिसको वो काश्त कर सकते कोई वाइल्ड लाइफ नहीं थी जिसको वो शिकार करके या जंगली जड़ी बूटियों को खा कर वो ज़िंदगी गुजार सकते दे वर फोर्स टू माइग्रेट उनको मजबूरी में वहाँ से निकलना पड़ा निकल के वो शहरों में आए लेकिन उन्होंने कभी शहरी ज़िंदगी नहीं देखी थी ना एजुकेशन थी उनके पास ना कोई ऐसी स्किल्स थी जिसके जरिए वो बड़े शहरों में ज़िंदगी गुजार सकते नतीजा क्या हुआ कि जब वो काम करने के लिए एम्प्लॉमेंट के लिए गए तो बहुत ही जो ऑकवर्ड सिचुएशंस हैं उसमें एक्सप्लाइटि लेबर जो है वो उनको मिलती थी और वो भी इन रिटर्न जो वेज मिलता था उससे उनका गुजारा नहीं होता था भूख होमलेसनेस uh, और फिर अजनबी जगह जिसके रूल्स और तौर तरीक़ों से वो वाकफ़ नहीं हैं तो ये पापोलेशन जो है ये बहुत ज़्यादा एक तरह से आ, मुश्किल में आ गई मनीला में एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इन लोगों के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया इन द मीन वाइल एक डेवलपमेंट ये हुई कि जो अर्बन एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन थे उनको ये पता चला कि ये जो आ, आतिश के फटने से बाद में स्टोन वहाँ पे बनता है जिसको पमिस कहते हैं उसको डेनम को स्टोन वॉश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है नतीजतन वहाँ से लोग जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी एटास थे वो तो लूजोन से आ गए थे लेकिन जो बड़े बड़े कारोबारी थे उन्होंने ट्रक भेज भेज के वहाँ से वो स्टोन निकलवा के तो मनीला लाना शुरू कर दिया और वो उसको अपने डनम फैशन कारोबार जो उनका था डैनम्स का उसमें इस्तेमाल करने लग गए अब अगर देखा जाए तो अगर उस इलाके में जो मुसीबत आई वो एथाज़ की थी तो अब वहाँ पे जो रिसोर्स है ये स्टोन वो भी तो उन्हीं का था ना तो एशियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी और एतज़ ने एक आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप की इंस्टीट्यूट जो है उसने एक कोऑपरेटिव एक सोशल एंटरप्राइज जो है इंटरमीडियरी के तौर पे इस्टेबलिश की जिसमें इंस्टीट्यूट के लोग और एथाज जो कम्युनिटी है उसके लोग शामिल थे और अंडरस्टैंडिंग क्या थी सो so, उनका बिज़नेस क्या था कि जो लोकल रिसोर्स यानी वो पमस स्टोन है हम ख़ुद उसको वहाँ से निकालेंगे निकालने का तरीका उसको फाइंड आउट करना कि कौन सा जो स्टोन है वो काम का है और कौन सा काम का नहीं है उसकी छांटी करना उसकी ट्रांसपोर्टेशन बड़े शहरों में जो बिज़नेसमैन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनके साथ करना उनसे सौदा करना उनसे ऑर्डर्स लेना और उनको वो ऑर्डर पहुँचाना ये सारा काम जो है वो इस जो सोशल एंटरप्राइज डेवलप किया उसके ज़िम्मे लगा एज़ इंटरमीडियरी जो असल प्रॉफिट था वो एथर्स को जाता था इस स्टोन की तजारत से लेकिन जो एंटरप्राइज है उसको कमीशन मिलता था कि वो इन सारी एक्टिविटीज़ में जो उनके ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको कवर कर सकें नतीजा उसका ये हुआ कि एथर्स जो हैं वो ना सिर्फ वो वापस अपने इलाके में चले गए बल्कि अब उन्हें समझ आई कि अगर ज़मीन या वाइल्ड लाइफ जो उनके पुराने नेचुरल रिसोर्स थे वो नहीं हैं तो ये स्टोन उनका नेचुरल रिसोर्स है यही उनका कैपिटल है यही उनका बिजनेस है उसको वो बेहतर तरीके से कैसे डेवलप करके कैसे मैनेज कर रहे कि वो जो शहरों में बड़े बड़े पूरे फिल्पाइन में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको वो सेल कर सकें और उससे उनकी लाइवलीहुड जो है वो अर्न कर सके आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ स्टोन से उनको लाइवलीहुड मुयसर हुई बल्कि साथ सोशल एंटरप्राइज की वजह से उनकी जो बिजनेस की और दीगर स्किल्स में ट्रेनिंग हो रही थी उसकी वजह से उन्होंने और काम भी साथ शुरू कर लिए क्योंकि उन्हें बिजनेस करने की स्किल्स आ गई थी उन्हें बिजनेस डेवलप और मैनेज करना आ गया था सो मच सो कि उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्स को भी रिकवर करना शुरू कर दिया कि वो अपने प्रॉफिट में से कुछ जो है वो अपनी ज़मीन को वापस रिकवर करने में इस्तेमाल कर रहे थे इस सोशल एंटरप्राइज़ के बतौर इंटरमीडियरी काम करने से एहतियाज जो हैं वो ना सिर्फ बतौर इंडिजिनस पॉपुलेशन वापस अपनी ज़मीनों अपने इलाके में रह सकते हैं बल्कि वो एक मार्जिनल नहीं बल्कि लिवेबल इनकम जो है वो उनको हासिल होती है और वो अपने दीगर नेचुरल रिसोर्स को रिकवर करने में आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग के ज़रिए से जो उन्हें बिज़नेस डेवलपमेंट की हुई और बिजनेसेस जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं एथल्स का जो सोशल एंटरप्राइज है एज इंटरमीडियरी ये एक अवार्ड विनिंग एंटरप्राइज है इसकी दुनिया में कई जगह पे रेप्लिकेशन की भी कोशिशें की जा रही हैं ये एक मिसाल है स्मॉल इज ब्यूटिफुल एंटरप्राइज की थैंक यू